इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी दफ्तर, अखबार, किताब, इंटरनेट आदि से प्राप्त की गई है। वीडियो में दी गई जानकारी सही है मगर समय और जगह के अनुसार कुछ बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड करियर गाइडेंस, लाइसेंस, बाद में रजिस्ट्रेशन और सभी तरह के प्रोसीजर के बारे में वीडियोज़ हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का परमिशन किस लाइसेंस से दे सकते हैं? देखिए सर, आपकी जो भी महानगर पालिका होंगी या फिर नगर पालिका होंगी, आपको सबसे पहले वहाँ पर उनका जो DCPR है या फिर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है वो पढ़ने हैं। उसमें आपकी लिमिट दी हुई है कि आप कहाँ तक काम ले सकते हो, कहाँ तक आप परमिशन दे सकते हो, उसके बेसिस पर ही आप काम कर सकते हो। अब अगर आपके पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर के लिए जो बिल्डिंग की लिमिट है वो है अगर 15 मीटर या फिर 16 मीटर, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकता। अगर मुझे उसके ऊपर काम करना है तो मेरे पास या तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए या फिर मैं आर्किटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका एजुकेशन लिमिटेड है तो आपके वर्क भी लिमिटेड होंगे या फिर आपकी जो परमिशन मिलेंगी वो भी आपको लिमिटेड बेसिस पर ही मिलेंगी। दोस्तों, अगला वीडियो आने तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन से हम इस तरह के वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू।